अभी गाला वाले ब्लॉक में, और ये आप देख सकते हैं ये गाला के प्लांट्स हैं। और आपको मैं दिखाऊं, प्लांट्स हमारे पास जो भी हैं फेदर प्लांट हैं, और फेदर प्लांट भी आप ये देखें, जैसे ये प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्लांट में चार फेदर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। हालांकि मैं आपको इसमें अभी 12 से 15 फेदर्स मैं दिखा सकता था, लेकिन जो अननेसेसरी फेदर्स होते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि 30 इंच से नीचे की जो शाखाएं होती है, फेदर्स होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, वो किसी भी काम के बागवान के नहीं आते हैं। और जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उन फेदर्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो इसीलिए प्लांट की एनर्जी वेस्ट ना जाए, हम जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दे रहे हैं वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि आपको वो प्रून करने पड़ेंगे। इसीलिए हमने वो जो फेदर्स 30 इंच से नीचे हैं वो फेदर हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं। एक एक फेदर ये आपके काम का है, एक एक फेदर ये जो है आपके लिए फ्रूट फॉर्मेशन का काम करेगा। ये आप देखें 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे ही सभी प्लांट्स में। ये छोटा बेचारा छोटा प्लांट है, लेकिन फिर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इसमें फेदर्स आ रहे हैं थोक में। सभी प्लांट में जो हैं फेदर आ चुके हैं, और ग्रो करने के लिए अभी टाइम बहुत है। यहाँ हमारी नर्सरी में प्लांट जो है सितंबर तक ग्रो होता है, और अभी क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक है तो जुलाई के अभी 3 हफ्ते बाकी है, फिर अगस्त हमारे पास है, सितंबर के 10-15 दिन हमारे पास फिर और बाकी हैं। तो कुल मिला के 2 महीने हमारे पास अभी और ग्रोथ के हैं, और 2 महीने में एक जो बेस्ट प्लांट मटेरियल जिसे कहा जाता है, जिसकी हाइट 7 से 8 फीट होती है, वो प्लांट आपको देने की मैं गारंटी देता हूँ। हम पहुंच गए हैं रूटस्टॉक प्रोपेगेशन ब्लॉक में, और ये जो आप अभी देख रहे हैं, मैं हूँ MM111 का ये प्रोपेगेशन ब्लॉक है, और इसमें सारा ये जो रूटस्टॉक आप देख रहे हैं ये MM111 है, और प्रोपेगेशन के लिए यहाँ पर जो है ये लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है मेरे चारों तरफ से ये सारा जो आप देख रहे हैं ये 111 प्रोपेगेशन है। ये आप देख सकते हैं, सब जो है रूटस्टॉक प्रोपेगेशन MM111। अभी मैं हूं दोस्तों ये परसीमन के ब्लॉक में, और ये जो परसीमन आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये फुयू वैरायटी है परसीमन की। फुयू वो परसीमन है दोस्तों जो जिसको आप जो है कच्चा भी खा सकते हैं, मतलब पकने से पहले आप खा सकते हैं। जो ये जो फुयू वैरायटी है इसे आप कच्चा सैलड के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।